राजस्थान में 25 नवंबर को 200 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ हम बात करेंगे कि फाइट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की है, जो मेन फाइट है उसमें अब बात करेंगे कि बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी लगातार जो आखिरी सर्वे हम बताएंगे CNX, उसके दूसरे सर्वे में बात सामने आई कि बीजेपी को या 115 सीट और कांग्रेस को या 80 सीट ही मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की जो कैंडिडेट की लिस्ट आई और उसमें जिस तरीके से वसुंधरा राजे के खेमे के जो लोगों के नाम काटे गए हैं, उससे कई सवाल उठने लगे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ये जो वसुंधरा राजे का खेमा है वो बीजेपी पर हावी ना पड़ जाए, क्योंकि एक जो यूनिस खान है उन्हें उनका टिकट काटा गया बीजेपी की लिस्ट में, और उनका जैसे ही टिकट काटा गया उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का संदेश दे दिया। मुस्लिम चेहरा है वो एक लौटे बीजेपी के, और उनका टिकट जब काटा गया तो कई सवाल उठने लगे, क्योंकि उन्होंने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए। वो देखा जाए तो कई बार विधायक रह चुके हैं, आखिरी बार सचिन पायलट से वो टोंक में लड़े थे, उनका टिकट जो उनका जो गढ़ था वहाँ से हटाकर उनको टोंक में डाला गया था सचिन पायलट के अगेंस्ट, और वहाँ वो हार गए थे। हालांकि अब ये बात सामने आ रही है कि कई और वसुंधरा राजे के जो समर्थक है, जो उनके खेमे के जो नेता है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या कांग्रेस में भी जा सकते हैं। तो क्या इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी? क्या बीजेपी ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया है? हालांकि वसुंधरा राजे के कई ऐसे नेता भी हैं जिन्हें टिकट दिया गया है इस बार। बात करेंगे सबसे पहले यूनुस खान की। नागौर की डिडवाना से उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, जिसके बाद वो नाराज थे। वसुंधरा राजे सरकार में वो कभी कैबिनेट मंत्री भी थे, दो बार डिडवाना से बीजेपी के विधायक रहे, हालांकि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला और इससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसी लिस्ट में अगला नाम है पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत का, एक और नाम है कैलाश मेघवाल का, इन्हें भी टिकट नहीं दिया गया है। खबरें तो ये भी चल रही है कि कैलाश मेघवाल कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। इन्होंने अर्जुन राम मेघवाल पर कुछ वक्त पहले करप्शन के आरोप लगाए थे। बीते दिनों जो पांचवी लिस्ट सामने आई उसमें 15 नाम बीजेपी ने घोषित किए। वसुंधरा के करीबी पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का टिकट कटा, इसके अलावा अशोक परनामी का भी टिकट कटा। कहा जा रहा है कि ये भी बीजेपी छोड़ने के फिराक में है। हालांकि वसुंधरा राजे की करीबियों की बात करें तो बाबू सिंह राठौर, प्रहलाद गुंजल और विजय बंसल जैसे कई नामों को टिकट दिया भी गया है, लेकिन कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया गया और उसके बाद कई सवाल उठने लगे। जैसे बीजेपी की तीसरी लिस्ट में वसुंधरा के समर्थक माने जाने वाले पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी को भी टिकट नहीं मिला, जो कि कोलायत से प्रमुख दावेदार थे और वो हाल ही में बीजेपी में आए थे। कहा जा रहा है कि मेघवाल से लड़ाई के चलते उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। जो बीजेपी की पांचवी लिस्ट सामने आई उसमें एक खास बात नोटिस करने लायक ये है कि जो अरुण चतुर्वेदी का टिकट काटा गया है, जो कि वसुंधरा राजे के खेमे से आते हैं, उनकी जगह एक पत्रकार को टिकट दिया गया है, गोपाल शर्मा। ये एक चर्चा का विषय बन गया। वही जो अशोक परनामी है वसुंधरा राजे के करीबी, उनका भी जो टिकट काटा गया उनकी जगह बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेन यादव को टिकट दिया गया है। और ये एक बड़ी खबर बन गई, क्योंकि लगातार जो राज्य में बेरोजगारों को इकट्ठा करना हो उन्हें भारी समर्थन मिलता है हर बार, और वो कई बार आगे आ चुके हैं और सरकारों पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कुछ वक्त पहले ही ये कहा था कि वो राजनीति में आएंगे और अब बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया है। हालांकि अब गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान में जो 200 सीट है और जो बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं उसमें ज़्यादातर देखा जाए तो नए चेहरों को भी जगह दी गई है। वही कई लोगों के टिकट कटे हैं, वही सर्वे का खास ख्याल रखा गया है। यहाँ पर यही सवाल उठ रहे थे कि वसुंधरा राजे को क्या साइडलाइन किया गया। तो आपको बता दें कि वसुंधरा राजे को पिछले कई महीनों से जो चुनावी प्रचार चल रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का दौरा हो चाहे वो दूसरे बड़े नेता का, उन दौरों में भी देखा गया कि किस तरीके से वसुंधरा राजे को कई बार साइडलाइन किया गया। पार्टी ने सामने आकर कह दिया कि चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री की बात बाद में होगी। हालांकि अब जो उम्मीदवारों की बात पर लौटे तो कई सारे इसमें नाम हैं। सबसे पहले लिस्ट की बात करेंगे जिसमें 41 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ था, जिसमें से 7 सांसद थे, 41 में से 21 चेहरे नए चेहरे थे, और ऐसे कई सारे जो सीट है बीजेपी की जहां पे कमज़ोर रही है सालों से उस पर फोकस किया गया था।
हालांकि ऐसे भी अभी कई नाम सामने आ रहे हैं जो वसुंधरा राजे के खेमे के हैं, जो कि नाराज बताए जा रहे हैं। अब क्या वो आगे जाकर कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे, क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चुनाव में हमारे भारत में, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। तो अगर ऐसा होता है, जैसे कि यूनुस खान मुस्लिम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा है वहाँ के, तो अगर वो भी अगर पार्टी बदलते या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इसका पार्टी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब 3 दिसंबर जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे उसी दिन पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।